यहाँ आने के लिए आप सबको धन्यवाद। आज शाम अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी से जुड़े हुए मामलों पर बहुत विस्तार से समीक्षा की है। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा और पुलिस महानिरीक्षक मद्य निषेध तथा उत्पाद आयुक्त भी उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि नाजायज शराब की आपूर्ति और बिक्री के खिलाफ चल रहे अभियान को और भी सघन बनाया जाए, उसमें तेजी लाई जाए और जो शराब सप्लाई करने वाले हैं, चाहे राज्य से बाहर के हों या राज्य के अंदर के हों, या जो उसका भंडारण करते हैं या जो बिक्री करते हैं, उनको ही पकड़ा जाए। पीने वालों को पकड़ने की अपेक्षा जो सप्लायर हैं उनको पकड़ने पर बल है, उनके खिलाफ कार्रवाई और न केवल पकड़ना बल्कि उनको कोर्ट से सजा दिलाना, ये उसमें शामिल है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश हुआ है। पुलिस पक्ष के द्वारा अलग से कार्रवाई की जाती है, पुलिस और उत्पाद विभाग के बीच में समन्वय रहता है, तो इसलिए जो कुल उपलब्धि है शराबबंदी की वो उत्पाद की जो उपलब्धि है और जो पुलिस की है उसको मिला करके है, टोटल करके है। तो कुल मिला के जैसा आपने पाठक साहब से सुना कि काफ़ी तेजी लाई गई है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दियारा क्षेत्रों में अभियान चलाया गया है इनके विभाग के द्वारा। शराब के पाए गए जो ड्रम है या जो सामान है उसको नष्ट करने के लिए आधुनिक यंत्रों का सहारा लिया गया है। दोबारा पीते हुए पकड़े जाने वाले लोगों को सजा दिलाने के लिए विशेष प्रयास हुआ है और कई तरह से सूचना का संकलन हो रहा है। ये तो इनके विभाग की बात थी। जो पुलिस है, जो राज्य के सारे थाने हैं उनके द्वारा जो शराबबंदी का काम हो रहा है उसकी समीक्षा DGP करते हैं। और क्लियर कर दिया जाए सर कि पीने वाले को पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा? देखिए, बात प्राथमिकता की है। कानून में दोनों चीजें अपराध है। अगर हम एक सप्लायर को पकड़ते हैं तो उससे जुड़े हुए जो 1000 पीने वाले हैं उनकी सप्लाई बंद हो जाती है, तो सप्लाई लाइन को कट ऑफ करना, काट देना, ये अच्छा है ना? हम पीने वालों के पीछे दौड़े, अब कोई अगर पिया हुआ पकड़ा ही जाएगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, कानून में माफी नहीं है। लेकिन प्राथमिकता, प्रायोरिटी, हाँ, सप्लाई लाइन ही बंद होगी तो लोग पिए नहीं, पीने वालों की संख्या में कमी आएगी, इसलिए प्राथमिकता उसी की है। इज देयर एनी प्लान टू रिड्यूस द पेनल अमाउंट ऑफ द रिपीट ऑफेंडर्स और एनीथिंग लाइक दैट? देखिए, कुछ सूटेबल रिलैक्सेशन किए गए थे अमेंडमेंट जो पिछला हुआ था सर। उस अमेंडमेंट के बाद बिल्कुल फोकस है कि फर्स्ट ऑफेंडर को कम सजा है, रिपीट ऑफेंडर को जाते, सप्लायर वगैरह को, इलीगल सेल करने वाले को जाते हैं। अभी इसमें कोई चेंज या डाइल्यूशन करने का प्रपोजल नहीं है, अभी वर्तमान प्रावधान है, ये सेटिस्फैक्ट्री है और इनको उसी तरह लागू किया जाएगा जैसा अभी कानून है। क्लियर कर दिया जाए सर कि पीने वाले को पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा? देखिए, बात प्राथमिकता की है। कानून में दोनों चीजें अपराध है। अगर हम एक सप्लायर को पकड़ते हैं तो उससे जुड़े हुए जो 1000 पीने वाले हैं उनकी सप्लाई बंद हो जाती है, तो सप्लाई लाइन को कट ऑफ करना, काट देना, ये अच्छा है ना? हम पीने वालों के पीछे दौड़े, अब कोई अगर पिया हुआ पकड़ा ही जाएगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, कानून में माफी नहीं है। लेकिन प्राथमिकता, प्रायोरिटी, हाँ, सप्लाई लाइन ही बंद होगी तो लोग पिए नहीं, पीने वालों की संख्या में कमी आएगी, इसलिए प्राथमिकता उसी की है। इज देयर एनी प्लान टू रिड्यूस द पेनल अमाउंट ऑफ द रिपीट ऑफेंडर्स और एनीथिंग लाइक दैट? देखिए, कुछ सूटेबल रिलैक्सेशन किए गए थे अमेंडमेंट जो पिछला हुआ था सर। उस अमेंडमेंट के बाद बिल्कुल फोकस है कि फर्स्ट ऑफेंडर को कम सजा है, रिपीट ऑफेंडर को जाते, सप्लायर वगैरह को,
इलीगल सेल करने वाले को जाते हैं। अभी इसमें कोई चेंज या डाइल्यूशन करने का प्रपोजल नहीं है, अभी वर्तमान प्रावधान है, ये सेटिस्फैक्ट्री है और इनको उसी तरह लागू किया जाएगा जैसा अभी कानून है। बट ये हम ये संदेश नहीं देना चाहते हैं कि लोग पीकर के आराम से घूमे, हम नहीं पकड़ेंगे। इसलिए तो हमको क्लियर किया, अच्छा किया, क्लियर कर दिए। लेकिन इस बात की कभी कभी आलोचना होती थी, आलोचना ये इस बात की कभी कभी आलोचना होती थी कि पुलिस या उत्पाद विभाग केवल पीने वालों को पकड़ते हैं, तो उसी का जवाब दिया गया कि हमारा फोकस और प्रायोरिटी उधर है, लेकिन अगर नेट में कोई आ गया, कानून के पकड़ में कोई आ गया पीने वाला, तो अपराध तो बाहर अपराध है। एलटीएफ को दोबारा गाड़ियां दे दी गई हैं, उनका था विभाग से गाड़ियां दे दी गई, अब गाड़ियां चल रही हैं। कोर्ट से जुर्माना लेकर के छोड़ने का काम हो रहा है, इसलिए उद्देश्य जो एक्ट का है वो अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से नहीं हो रहा है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट से हो रहा है। बात बराबर है, कोर्ट कोई भी हो, प्रावधान लागू हो चुका है और उसका असर भी है।